हे गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आरआरबी पीओ प्री का रिजल्ट जो है अनाउंस हो चुका है, और जिन लोगों ने अटेम्प्ट्स किए थे वो लोग अपने शेयर भी साथ में कर दें। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जनरल अटेम्प्ट में 62 62, अभी मेरी दो से तीन लोगों से बात हुई है तो उन्होंने ही बताया कि हमारे 60 62 के अराउंड में थे और हमारा एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे और कितने अटेम्प्ट वालों का एग्जाम जो है ये क्वालिफाई हुआ है। आप लोग जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं, नीचे मैं लिंक दे दे रहा हूँ। और जो मेंस का एग्जाम है वो 30 सितंबर को आपका होगा, तो अभी आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। अगर आज देखें तो 7 तारीख हो चुकी है और इसके बाद में लगभग हमारे पास में 20 से 23 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इन दिनों में हम लोग क्या स्ट्रेटजी करने वाले हैं, इस चैनल पर हमारे साथ जरूर बने रहें। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जो लास्ट ईयर के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, जो आपका 2017 का एग्जाम हुआ है, हम उसके कंप्लीट जो डीआई का सेक्शन है वो इस चैनल पर सॉल्व करेंगे। और टुमारो से हर एक दिन एक वीडियो पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और साथ में रीजनिंग का हमने पूरा एनालिसिस ऑलरेडी दोस्तों कर रखा है, तो वो लोग आप देख लें। और अभी तक कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कब आया, तब तैयारी करें। तो यार, अब जो टाइम बचा है इसमें आपको करंट अफेयर्स भी साथ में पढ़ना है और कंप्यूटर भी साथ में पढ़ना है, क्योंकि अगर पैटर्न की अगर आप बात करो तो देखो, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के भी 40 40 क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो कंप्यूटर सेक्शन है वो केवल 20 मार्क्स का होता है, 20 नंबर का, और जो आपका जनरल अवेयरनेस है करंट अफेयर्स वाला सेक्शन, वो 40 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का आपको ड्यूरेशन मिलेगा और आपको इस फॉर्मेट में पेपर जो है अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अभी से ही यार थोड़ा टाइट हो जाओ, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम बचा हुआ है। और हम लोग क्या करेंगे कि क्वांट में पहले जो डीआई का फेस है जिसमें केसलेट वगैरह है उनको डिस्कस करेंगे, और रीजनिंग की मेंस की डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। और साथ में आईबीपीएस का भी कोर्स स्टार्ट है, तो उसके साथ हमारे साथ बने रहें। जिन लोगों का भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है उनके पास अभी मौका है कि वो लोग आईबीपीएस के लिए टारगेट कर लें, ठीक है। पीओ और क्लर्क का एग्जाम जो है अक्टूबर में होने वाला है, पीओ का, और क्लर्क का थोड़े उसके 2 महीने बाद होता है। लेकिन अभी आप अगर पीओ को चांस लेना चाह रहे हो तो अभी आपकी जो प्रिपरेशन है इसमें थोड़ा सा और पुश करो, इसको आगे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो ट्राई करना चाहेंगे उनके साथ ही दोस्तों अच्छा होगा, और जो ट्राई नहीं करोगे तो यार आपका एग्जाम तो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे एक वीक पढ़ाई कर ली, 2 वीक पढ़ ली एग्जाम से 15 दिन पहले, ऐसा नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंसी बनानी होगी, टेस्ट पेपर सॉल्व करने होंगे, अपना रिविजन करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। अब मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे और आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, ओके। और इसी हिसाब से आपकी एक्यूरेसी और भी चीजें निकल कर आएंगी, क्योंकि क्या है इसमें केवल 2 सेक्शन थे, क्वांट और रीजनिंग। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत लोगों को डाउट होता है इंग्लिश में इतना अटेम्प्ट करके आया, इतना स्कोर आया। क्वांट और रीजनिंग में तो पता रहता है ना कि कितना हमने अटेम्प्ट किया और हमें कितना हमारा सही है, ओके। तो चलो, अगली वीडियो में कल से हम लोग जो है डीआई का सिलसिला स्टार्ट कर देंगे। चैनल पर वीडियो सेक्शन में जरूर जाना, वहां पर आपको आरआरबी के नाम से वीडियो मिल जाएगी। और इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, साथ में शेयर भी कर दो। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। छोटा सा ये एक नोटिफिकेशन अपडेट था, आप लोग अपना रिजल्ट चेक करें। और बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, और जिनका नहीं हुआ उनके पास अपॉर्चुनिटीज है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क है, उसमें यार आज से ही लग जाओ, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।